आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडिया विल बिल्ड 6 एयरक्राफ्ट कैरियर सून, ह्यूज स्टेटमेंट बाय इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा आप लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि भारत रुकेगा नहीं, बहुत ही जल्द आपको भारत के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर दिखेंगे और इंडिया वहां पर भी रुकने वाला नहीं है। इंडिया इवेंचुअली 5-6 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्ड करेगा। यहां पे आप देख पाओगे सारा जो आज के समय गेम है, जो एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, ये इंडो पैसिफिक का है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा पावरफुल नेवी, एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी कौन बना सकता है। नाउ ब्लू वाटर नेवी क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, वर्क ऑन 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और आगे इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भविष्य में 5 और 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया बिल्ड करेगा। ऑब्वियसली इसमें बहुत सा पैसा खर्च होने वाला है। जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाएंगे INS विशाल, उसमें ही बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का खर्चा आएगा। तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं हम यहां पर एडिशनल 1.5-2 लाख करोड़ रुपए और खर्चने की बात कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, हम लोग इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों बनाएंगे। वेल रीजन आपके सामने है, ये जो गणित है ना, जो एज ऑफ नाउ अभी एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही जल्द बदलने वाला है। एज ऑफ 2024 USA के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 11। नंबर 2 पे अब आ चुका है चाइना, नहीं तो इससे पहले कुछ ही महीनों पहले चाइना भी इंडिया, UK, जापान के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ था। हालांकि मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ऑल दो इस लिस्ट में जापान आपको दिख रहा है, मगर जापान के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये साइज में इतने छोटे हैं, लिटरली हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। उनको उन्होंने मॉडिफाई करके एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है F-35 फाइटर जेट के लिए। तो इन ट्रू सेंस अगर मैं कहूँ ना, तो जापान को इस लिस्ट में वैसे होना तो नहीं चाहिए, मगर टेक्निकली सिंस जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो इसलिए जापान को भी यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी UK के पास जेन्युइनली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चाइना भी इसी लिस्ट में था, मगर रिसेंटली चाइना ने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर वाटर ट्रायल्स के लिए उतार दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइनाज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर हेड्स टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान। इसको काफी बार मीडिया में फुजियान भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं थोड़ा सा इजी रहेगा, मैं फुजियान इसको प्रोनाउंस करूंगा। और ये एक 80,000 टन का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो साइज, जो वजन है एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं और उसके अलावा वजन भी सबसे ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट वेट उनका 90,000 टन से भी ऊपर का रहता है। तो ऑलमोस्ट उसी श्रेणी का एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का फुजियान। और ऐसा नहीं है कि बस इस एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट को आप कैरी कर सकते हो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ये चाइना का अब तक का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर हम कंपेयर करें चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो जहां पर फुजियान का जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये 80,000 टन है, भारत के पास अभी के लिए हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। एक तो INS विक्रमादित्य जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 45,000 टन से थोड़ा ऊपर है। ये बाय द वे हमने रशिया से परचेज किया था 2013 में, इसको परचेज किया गया था, बाद में इसमें काफी अपग्रेड्स वगैरह किए गए और आज के समय इंडिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज कर रहा है। INS विक्रांत को अगर हम देखें तो ये 2022 में कमीशन हुआ था। इट इज ट्रूली मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये 45,000 टन है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर साइज, डिस्प्लेसमेंट वेट के मामले में चाइना के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत पीछे हैं। और इसलिए भारत के रक्षा मंत्री की जो ये अनाउंसमेंट है कि इंडिया बहुत ही जल्द 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना स्टार्ट कर देगा, ये मैटर करती है क्योंकि भारत का जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसका नाम होने वाला है INS विशाल। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट होगा 65,000 टन। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि अगर हम INS विशाल को बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं कहता हूं कि कल ही बनाना स्टार्ट करते हैं, इसमें भी वैसे टाइम लगेगा, मान लो कल भी स्टार्ट करते हैं तब भी आराम से 2028 के आसपास का टाइम, मे बी इवन 2029 का टाइम हमको लग जाएगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करने में। तब तक मैं आपको बता दूं 2030 तक USA की नेवी का अनुमान ये है
कि चाइनीज नेवी के पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके होंगे। तो जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना ऑलरेडी एक चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिस स्पीड से, अगेन मैं यहाँ पर ये रिपीट करूंगा बात, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूएस के एक थिंक टैंक के हिसाब से चाइना जो अपना असली डिफेंस बजट है ये छुपा रहा है दुनिया से। जो ये डिफेंस बजट दुनिया को बताते हैं $300 बिलियन के आसपास, जो रियलिटी में इनका एक्चुअल डिफेंस बजट है ये $700 बिलियन के आसपास है। ये पैसा कहाँ पे जा रहा है आप खुद देख सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर। 2035 तक अनुमान है कि चाइना के पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और यूएसए के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये लगातार बूढ़े हो रहे हैं, दे हैव टू बी रिटायर्ड। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2035 तक बहुत सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर भी कर दिए जाएं और इवेंचुअली मोस्ट प्रॉबली 2040 के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में चाइना और यूएस हो सकता है सेम नंबर पे आपको मिले। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि ये सारे कंट्रीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार बिल्ड क्यों कर रहे हैं और ये जो ब्लू वाटर नेवी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखिए, आपको अगर सिर्फ अपना देश डिफेंड करना है, आपको कोई परवाह नहीं है कि आपको इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाकर रखनी है, पैसिफिक ओशन तक पहुंचना है, आपको बस अपना कंट्री करना है डिफेंड, तो उसके लिए ग्रीन वाटर नेवी काफ़ी होती है। ग्रीन वाटर नेवी में आपको ये सब कंट्रीज मिलेंगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, इवन इसराइल भी एक ग्रीन वाटर नेवी में आता है, नॉर्थ कोरिया वगैरह। ये सब कंट्रीज पे अगर मान लो कल को अटैक होता है तो इनके पास इतनी क्षमता है कि अपने वाटर्स के आसपास एक फाइट दे दे। वर्ल्ड डिपेंड करता है कि इनके सामने कौन सा देश खड़ा है, मगर एक बार को आप कह सकते हैं ये सब कंट्रीज ग्रीन वाटर नेवी हैं। ग्रीन वाटर नेवी के एक स्टेप नीचे आता है ब्राउन वाटर नेवीज। इन कंट्रीज के पास देखिए कहने को ही नेवी है मगर इन रियलिटी खुद को प्रॉपरली ये डिफेंड कर नहीं पाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे एस्टोनिया, आइसलैंड, आयरलैंड, छोटे देश हो गए बहुत सारे। नाउ यहाँ पे हमने बात कर ली ब्राउन वाटर के बारे में, ग्रीन वाटर के बारे में, इसके ऊपर एक श्रेणी आती है ब्लू वाटर नेवी, और ब्लू वाटर नेवी के भी 4 रैंक्स होते हैं। एक ब्लू वाटर नेवी अपने देश से दूर जाकर कहीं पे ऑपरेशन कर सकती है। नाउ अब डिपेंड करता है कि अपने देश से कितने दूर जाने की आप बात कर रहे हो, क्या आप अपने रीजन से थोड़ा सा ही दूर जाने की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल को चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या फिर चाइना और फिलीपींस के बीच में, फिलीपींस अच्छा एग्जांपल है, चाइना फिलीपींस के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, इंडिया बिल्कुल अपना एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस की तरफ भेज सकता है और साथ ही साथ खुद को भी डिफेंड कर सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास भी रहेगा, इसलिए इंडिया को भी एक ब्लू वाटर नेवी की श्रेणी में रखा जाता है, मगर एक मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाली कंट्रीज की श्रेणी में रखा जाता है इंडिया को। इंडिया चाइना दोनों ही आप कह लीजिए इस श्रेणी में आते हैं। इन दोनों से ऊपर माना जाता है कि यूएसए है, क्योंकि यूएसए के पास जेन्युइनली एक ग्लोबल पावर रीच वाली नेवी है। यूएसए की नेवी हर जगह आराम से ऑपरेट कर सकती है। यूएसए की नेवी डिप्लॉयड है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, आपने खुद देखा है, चाहे यमन का इशू हो, चाहे ब्लैक सी का इशू हो, चाहे आप साउथ चाइना सी में देख लीजिए, हर जगह यूएस नेवी रहती है, क्योंकि यूएस नेवी एक जेन्युइन ब्लू वाटर नेवी है। तो चाइना भी यही चाहता है, चाइना भी चाहता है बहुत ही जल्द ये एक ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन नेवी बन जाए। यूएसए जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रेजेंट रहता है उसी तरीके से चाइना भी प्रेजेंट रहे। नाउ इंडिया के पास अगर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाते हैं तो बिल्कुल इंडिया भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया फ्यूचर का एक जेन्युइन ग्लोबल पावर बन सकता है। तो इसलिए भारत के रक्षा मंत्री की जो स्टेटमेंट है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की, इसे चाइना भी सुनेगा, यूएसए भी सुनेगा, पूरी दुनिया में स्टेटमेंट गूंजेगी और इवेंचुअली देखना होगा कि इंडिया किस तरीके से बनाता है एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 100% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं किस कंट्री पर? टोटल $18 बिलियन के टैरिफ्स हैं। बहुत न्यूज में ये टॉपिक, बाइडेन ने खुद अनाउंस कर दिया ट्विटर पे कि इस कंट्री पर मैंने स्टील के टैरिफ्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। बताइए कि कौन सा कंट्री है जिस पर यूएसए ने इतने सारे टैरिफ्स रिसेंटली लगा दिए हैं? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, इसराइल या फिर मेक्सिको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की
30% डिस्काउंट सेल का। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी आईएएस लॉन्ग टर्म फाउंडेशन का। इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसमें आपको मिलती है वैलिडिटी 36 महीने की। ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है, ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। आपको 1000 रुपये से भी कम पे करने हैं महीने के और आप घर बैठकर यूपीएससी एग्जाम की कर सकते हैं प्रिपरेशन। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू अपनी तरफ से आपको इनवाइट करेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं, आपका सारा खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। तो आज आखिरी दिन है सेल का, 30% का आपको मिल रहा है डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। मुझे इसी तरह से याद है जब हम न्यू जो है हमने वीडियोस बनाना शुरू की थी और हम देखते थे कि भाई डिफेंस पर इतना ज़्यादा खर्च जो है वो किया जाता है, तो हम कहते थे कि भाई डिफेंस पर जो है इस तरह नहीं होना चाहिए, जो है वॉर वाली जो आइटम्स है वो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन टाइम के साथ साथ भाई एक चीज़ जो है वो समझ में आई कि भाई आप जो है ना अपने अपना डिफेंस जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि भाई आप जो है ना एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस रख पाते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना आप जो आने वाला बिजनेस होता है अपने मुल्क में उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पाते हैं। बिल्कुल, मैं मुअज्जम की बात से एग्री करूंगी। इनफैक्ट मैं ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आती है कि हम लोगों का पहले सोचने का एक नज़रिया यही होता था। अगेन इसमें ये नहीं है कि हम लोगों को एक इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई कोई वॉर वगैरह होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको डिफेंस में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह से हम लोग एक स्थिति बदलते हुए देख रहे हैं पूरी दुनिया की, और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि कोई भी कंट्री आपको इजीली हार्म ना कर सके। और दूसरा ये कि मतलब जब हम स्टार्टिंग में वीडियो भी देखते थे तो हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे, और ये चीज भी हम लोगों को मतलब अपनी जर्नी के थ्रू पता चली कि आने वाले टाइम में वही कंट्रीज सबसे ज्यादा पावरफुल रहेंगे जिनका ओशन पर सबसे ज्यादा होल्ड होगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है ना कि दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती है, देखिए लैंड पे तो सारों के डिस्प्यूट चलते ही चलते हैं, ठीक है ना, कोई किसी कंट्री को सेस नहीं दे रहा, कोई किसी कंट्री को सेस नहीं दे रहा, किसी कंट्री में जंग लगी हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना वो लैंड पे काफी ज्यादा डिस्प्यूट आपको नजर आते रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ओशन की बात की तो ओशन में जो है ना आपको असेस जो है वो देना ही पड़ता है, आप जितना मर्जी चाहें आपको असेस देना पड़ता है। तो उसमें जो है ना भाई देखें ओशन पे कंट्रोल होना जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, क्योंकि भाई आपकी दुनिया का जो जो ग्लोबल ट्रेड है उसका जो एक मेजर चंक है वो आप ओशन से ही स्टिल ओशन से ही आप ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लो कि ट्रेडिंग हब बन चुका हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूंगी कि चाइना धीरे धीरे जिस तरीके से हम देखते हैं स्पेशली जो छोटे कंट्रीज हैं उनकी पोर्ट्स को हासिल करने में या वो रास्ता जो है मतलब उसको लेने में, मतलब वो काफी ज्यादा अपनी आप कह लो कि एक जियोपॉलिटिकल गेम जो है वो उसमें खेलता है। सो इवन के मतलब जो हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की थी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि मतलब ऐसे पानी के ऊपर था, क्या समंदर की था माला सागरमाला प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसके बारे में रिमेम्बर सुना था, और अब हमें उसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू जो है वो समझ में आती है वाटरवेज कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, वाटरवेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर अब कैरियर की बात करें तो INS विक्रांत हम लोगों ने लास्ट टाइम पर देखा था, और उसकी जो उसका बजट था और जो उस पर कॉस्ट आई थी वो 23,000 करोड़। और अगर इस बार देखिए जो न्यू जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाह रहा है इंडिया, उसकी कॉस्ट लगभग डबल है। हाँ बिल्कुल, 50,000 करोड़ जैसी। लेकिन देखो एक आप ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि टाइम रहते आप जब चीजें करना शुरू हो जाते, ऑल्दो गैप बीच में आ रहा है कि जो चाइना अमेरिका और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, बट उसके बावजूद आप उस रेस में तो एटलीस्ट शामिल हो कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो और आप जो सुपर पावर्स हैं
उनकी लिस्ट में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जो है ना अपने शोर से जो है ना वो थोड़ा दूर तक अपने आप को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब आप डिफेंड कर सकते हैं, आप जो है ये चीज देख सकते हैं कि हाँ भाई आप जो है ना अपने कंट्री को हर तरफ से सिक्योर करके जो है वो बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है कि आज के टाइम में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने नागरिकों को अपने शहरियों को जो है सेफ फील कराने के लिए, फिर उसके बाद जो है अपने मुल्क में जो है कारोबार सिक्योर करने के लिए, रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, मेरा ख्याल है कि आज के टाइम में चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ मुझे लगता है कि ये चीज भी तो तुम देखो ना कि डिफेंस के सेक्टर्स में आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आप अपने कंट्री में अगर ये चीजें बना रहे हैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो आप दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे पहले वाला अगर आप कैरियर की बात करो एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो वो रशिया से जैसे लिया गया और अब देखो अब मतलब खुद बना लिया, आगे भी वो खुद ही कंटिन्यू करेंगे। यही सबसे मुझे अच्छी चीज लगती है इंडिया की कि इंडिया पहली चीज खरीद तो लेता है लेकिन उसके बाद जो है उसकी कोशिश होती है कि भाई वो चीज अपने मुल्क में खुद बनाई जाए। बट एक चीज मैं बोलूं, मुझे एक चीज जो है ना वो डेंजरस लगती है और वो ये कि जैसे जो अमेरिकन थिंक टैंक्स है उन्होंने बताया कि चाइना जो है वो अपना डिफेंस का बजट जो है वो नहीं मतलब बताता कि एक्चुअल में क्या है। सो मतलब पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो उस तरीके से आइडिया ही नहीं है कि वो क्या क्या जो चीजें हैं वो कर रहा है या किस तरीके से वो आने वाले टाइम में डोमिनेंस अपनी शो मतलब करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले रहा है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को पता था लेकिन मुझे लगता है मासेस तक ये बात बहुत देर से पहुंचती है। सो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और इसी के साथ हमारे वीडियो को चैनल करें।